दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप अपने फोन पे एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहते हैं तो आप कैसे अपने फोन पे एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आखिरकार अपने फोन पे एप्लीकेशन में सिक्योरिटी लॉक कैसे लगाया जाता है। आपके सिवा आपके लॉक को कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे फोन पे एप्लीकेशन में लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका फिंगरप्रिंट या आपका पैटर्न लॉक, तो आप जो भी लगाना चाहते हैं वो आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपना फिंगर लगाएंगे और हमारा फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो कैसे आपको लगाना है सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। सबसे पहले अपने फोन पे एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन में नहीं है तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस करिए, उसके बाद अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और वहां से आपको लेटेस्ट वर्जन में अपना फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आपका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाए फिर आप उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे अपना ओटीपी आप डाल दीजिए, जो भी आपका ओटीपी आया हो, और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करिए। आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और इसे आप चालू करिए इस तरीके से। जैसे आपका अकाउंट यहाँ पर चालू हो जाएगा आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है, अलाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद इसे ऑल कर देना है। अब जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, अब आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगा लेना होगा और अपना पासवर्ड सेट कर लेना होगा, यानी कि फिंगरप्रिंट। तो आप स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे और अपना स्क्रीन लॉक सेट कर लीजिए मोबाइल में। फिंगरप्रिंट पर फिंगरप्रिंट को क्लिक करिए, उसके बाद अपना यहाँ पर लॉक डाल दीजिए जो भी आपके स्क्रीन का लॉक हो, और उसके बाद अपना फिंगर यहां पर ऐड फिंगर पर क्लिक करके अपना आप फिंगर यहां पर अटैच कर लीजिए। जैसे आप यहां पर अपना फिंगर अटैच कर लेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से आप चारों लंग लगाइए अपना उंगली और आपका फिंगर अटैच हो जाएगा। फिर आप यहां से आ जाइए बैक। बैक आने के बाद अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करिए। फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहां पर आपको मिलेगा प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल पर क्लिक करिए। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो एक सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्क्रीन लॉक, और यहाँ पर मिलेगा बायोमेट्रिक एंड स्क्रीन लॉक, तो ये आपका सेटिंग बंद होगा। तो आप इस सेटिंग को चालू कर दीजिए। जैसे आप अपने इस सेटिंग को चालू कर देंगे फिर आपने बैकग्राउंड से अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को आप हटा दीजिए इस तरीके से। जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन को हटा देंगे, हटाने के बाद अपने मोबाइल को जैसे आप लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद जैसे ही आप इसे अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के बाद जब अपने फोन पे एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपसे लॉक मांगा जाएगा आपके फोन पे एप्लीकेशन को चालू करने के लिए। और यहां पर देखेंगे कि हमारा पासवर्ड हमसे मांगना स्टार्ट कर चुका है, यानी कि अपना फिंगरप्रिंट लगाइए या अपना स्क्रीन लॉक डालिए, तब आपका फ़ोन पे चालू होगा। तो इस तरीके से अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हैं। मैं आशा करूंगा आप सीख गए होंगे, जान गए होंगे और अपने फ़ोन पे को सिक्योर कर पाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।